वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए फिर से एसक्रेटरी सिस्टम का यह अगला वाला लेक्चर है, ठीक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि एसक्रेटरी ऑर्गन जो होता है वो मैमल्स में कैसे होते हैं। मैमल्स में स्पेशली पढ़ना है हम लोग को ह्यूमंस का, ठीक है। तो वो एसक्रेटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, तो फिर से जब देखेंगे कि किडनी के कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है, किडनी जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो यूरिन के फॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। तो पहले हम लोग को पढ़ना होगा किडनी का स्ट्रक्चरल चीजें, उसके बाद इसका फिजिकल फंक्शन जो होगा वो अगले लेक्चर में हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए किडनी की अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो किडनी जो होता है वो बीन शेप का होता है। बीन शेप मतलब राजमा, देखिए ना राजमा एकदम राजमे का शेप का ही होता है, ठीक। किडनी और कितने पाए जाते हैं किडनी हमारे बॉडी में, दो ये किडनी पाए जाते हैं। और दोनों का दोनों किडनी जो होता है वो एक्सक्रीशन में क्या करेगा, काम करेगा, यूरिन बनाने में, फिल्ट्रेशन में क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। ऐसा देखा गया कि अगर किसी इंसान में एक किडनी निकल भी जाती है तो अगर एक किडनी कोई इंसान किसी इंसान में है फिर भी वो नॉर्मल लाइफ क्या करता है, जी सकता है अगर थोड़ा वो परहेज करे तो, क्योंकि एक किडनी में क्या होता है सफिशियंट हो जाता है, ठीक है, मतलब उतना फिजिकल फंक्शन कर लेता है। लेकिन किसी इंसान में दोनों किडनी नहीं है तो वो डायलिसिस पे जीता है, ठीक है। डायलिसिस एक लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो कितने किडनी पाए जाते हैं, दो। कितने किडनी पाए जाते हैं, दो। अब ये जो किडनी होता है दो होता है वो दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। दो किडनी तो दो पाइप निकलते हैं, ये दोनों पाइप को बोलते हैं एक बायोलॉजिकल वर्ड में यूरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेटर, इसका नाम हो जाता है यूरेटर। अब ये जो यूरेटर है, ठीक है, एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, बोरा होता है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसी तरह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आके खुल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो हर एक इंसान में एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, दो किडनी होता है और दो यूरेटर होता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये किडनी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यूरेटर और ये आपका हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये कहेंगे। तो ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये कंप्लीट एक्सक्रेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अब आप बात करेंगे हम लोग किडनी की, तो किडनी जो होता है वो मेटानेफ्रिक होता है। मेटानेफ्रिक मतलब सबसे एडवांस किडनी किसका है, हम ह्यूमंस का है, ठीक है। तो हमारा किडनी क्या है, मेटानेफ्रिक है। इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो हुआ है मीजोडर्म। अब यहाँ पर मीजोडर्म का मतलब समझिए, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का या कोई भी ऑर्गन जो बनता है हमारे बॉडी में, तो शुरुआत में हम लोग एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं। एम्ब्रियोनिक फॉर्म में मतलब कि स्पर्म और एक बनते हैं, मिलते हैं तो क्या बनता है, एक फीटस, तो आपका क्या बन जाएगा, जायगोट बनेगा। जायगोट बड़ा बड़ा होते होते तो वो आगे जाके वो सेल्स खुद सेल्स क्या करते हैं, अपने आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इन सेल्स कैटेगरी की जाती है कि ये एक्टोडर्म होगा, ये मीजोडर्म होगा, ये एंडोडर्म होगा। ये तीन जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो एक्टोडर्म कुछ और ऑर्गन बनाते हैं, मीजोडर्म कुछ और ऑर्गन बनाएंगे और एंडोडर्म कुछ और ऑर्गन बनाएंगे। तो उसी में से जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है वो हमारा हुआ है किडनी। क्या हुआ है, किडनी। तो किडनी इज मीजोडर्म इन ओरिजिन, ये ध्यान देने की बात है। क्या है, मीजोडर्म इन ओरिजिन, ठीक है। हमारा जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक है। क्या ये मेटानेफ्रिक है, ये पूछा गया। मेटानेफ्रिक किडनी किसमें पाया जाता है, मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, पिछला लेक्चर में हमने बताए थे। एक और ध्यान देने बात है, ये किडनी पे एक पतला लाइक स्ट्रक्चर, एकदम पतला सा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेप्रोटोनियम। क्या बोलते हैं, रेप्रोटोनियम। क्या बोलते हैं, रेप्रोटोनियम, ठीक है। इसको रेप्रोटोनियम इसलिए बोले, रेप्रो मतलब होता है कवरिंग और प्रोटोनियम मतलब एक लेयर, तो कवर विद द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से कवरिंग है इसलिए इसको बोलते हैं रेप्रोटोनियम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। तो रेप्रोटोनियम इज नॉट जस्ट ओनली अ कवरिंग, ठीक है। अच्छा, इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात कर ले, भैया कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला। तो किडनी जो होता है वो आपका करीब करीब 3 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। कितना लंबा होता है, 3 मीटर लगभग लंबा होगा आपका, लगभग 2 सेंटीमीटर क्या होगा, ब्रॉड होगा, और 1 सेंटीमीटर क्या होगा, थिक होगा। तो कोई बड़ा बहुत बड़ा किडनी नहीं होता है, बस 3:1, ये ऐसे रेशियो आपके लिए 3:2:1, ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस होता है किडनी का, ठीक है। हर किडनी का थिकनेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है, एक एवरेज देखा जाए तो, ठीक है। अब एज के हिसाब से भी किडनी जो क्या करता है, जो बच्चे छोटे होते हैं उनका थोड़ा छोटा साइज होगा, एडल्ट का थोड़ा बड़ा होता है। तो
तो ये अलग बात है ठीक है, लेकिन एक एवरेज जो होता है वो तो आपका कितना होगा 3:1 के रेशियो में होता है ठीक है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि किडनी जो होता है, यहाँ पे डायग्राम हम बनाए हैं, लग रहा होगा किडनी एकदम दोनों आमने सामने है ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये किडनी है तो ये किडनी है, तो लग रहा होगा ये दोनों किडनी क्या है एकदम आमने सामने है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान देंगे तो जो राइट किडनी होता है वो लो थोड़ा नीचे होता है लीवर के, क्योंकि ध्यान सुनिए तो हमारा जो राइट किडनी है मतलब ये लीवर कहाँ है हमारा, यहाँ है, यहाँ पे लीवर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किडनी है, और जो लेफ्ट किडनी है वो यहाँ पे है ठीक है। तो ध्यान सुनिए, आप देखिए लीवर तो एक ही हमारे बॉडी में, तो लीवर बेचारा यहाँ पे है, अब लीवर जब स्पेस ले लिया तो किडनी थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट वाली किडनी है वहां पे क्या है कोई स्पेस नहीं है, स्पेस है यहाँ पे बहुत ज्यादा, किडनी क्या होती है थोड़ा ऊपर रहती है, तो लीवर की वजह से जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा नीचे चली जाती है और यहाँ पे जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा क्या होती है ऊपर रहती है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट समझने वाली बात यह है ठीक है कि जो लेफ्ट और जो राइट किडनी होती है उसमें पता कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा बॉडी ऐसे पूरा ऐसे फाड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए ऑपरेशन कर, अब मेरी दोनों किडनी आपको दे दी जाए और दोनों मिला दिया जाए, अब बोला जाए बताओ इसमें कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। तो देखिए ये समझने वाली बात है, हम बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे पहचानेंगे, देखिए जब रिब्स की बात करते हैं हम लोग तो कि हमारे बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाती हैं ठीक है, तो ये जो रिब्स होते हैं ठीक है, तो जो लेफ्ट किडनी होगा वो थोड़ा ऊपर होगा, तो जो 11th और 12th पेयर वाली रिब्स होती है उस, तो जो किडनी का ऊपर वाले ये पूरा किडनी है, ये क्या है पूरा किडनी है, तो ये ऊपर पोर्शन वाला जो किडनी होगा वो 11th और 12th पेयर वाली रिब्स जो होगी वो एकदम उस पर टच करेगी, क्या करेगी टच करेगी, और यहाँ पे जो राइट किडनी है वहां पे टच नहीं करेगी क्योंकि लीवर है ऊपर, तो राइट किडनी का रिब्स से कोई अटैचमेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है वो टच कर रहा है रिब्स से ठीक है। तो इसके वजह से अब देखिए कहीं कहीं कोई भी चीज अगर लंबे टाइम तक अगर उस पर दबा प्रेशर क्रिएट करे तो वहां पर क्या बन जाएगा, वहां पर एक दाग बन जाएगा, तो दोनों रिब्स का 11th और 12th का किडनी के जो लेफ्ट किडनी होता है उस पर एक दाग बन जाएगा, तो दोनों किडनी जब निकालेंगे तो देख लेंगे अच्छा एक किडनी पे दाग बना है, अच्छा एक किडनी क्या है ठीक है, तो जो जिस किडनी पे दाग बना रहेगा ठीक है ऐसे दो बने होंगे उसको आप पहचान लेंगे कि अच्छा ये है आपका लेफ्ट किडनी और ये आपका राइट किडनी ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका होता है ठीक है। तो आप ये बात समझ आएंगे कि राइट किडनी क्या होता है थोड़ा क्या होता है नीचे होता है, लेफ्ट किडनी क्या होता है थोड़ा ऊपर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं, तो किडनी का थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया ठीक है। अब आप देखते हैं कि किडनी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, जब किडनी को जब फाड़ेंगे तो फाड़ के पहले पहला लेयर निकालेंगे, दूसरा लेयर भैया तब इसके देखेंगे भैया और थोड़ा फैलाओ इसको और देखो माइक्रोस्कोप के अंदर और क्या क्या चीजें इसमें दिख रही है। तो जब ऐसा किया गया तो देखा यह गया कि किडनी का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर था उसको बोला गया था रीनल कैप्स्यूल, क्या बोला गया रीनल कैप्स्यूल, रीनल कैप्स्यूल जो था वो एक कवरिंग होती है ठीक है, ठीक है वो क्या होती है कवरिंग होती है जो किडनी को क्या करती है प्रोटेक्ट करके रखती है और इसको स्लाइम रखती है ठीक है, थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन में इसको रखती है, इसको प्रोटेक्शन में क्या करती है हेल्प करती है, ये होता है रीनल कैप्स्यूल। देखिए यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि आप बार बार हमारे मुंह से सुनेंगे रीनल 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 सुनेंगे, रीनल जो होता है वो किडनी का ही नाम है, रीनल जो वर्ड है वो किडनी को ही बोलते हैं वो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, जैसे लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं हिपैटिक, क्या बोलते हैं हिपैटिक बोलते हैं ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल वर्ड है, तो बार बार वर्ड यूज होगा रीनल, तो रीनल का मतलब हो गया कि क्या वो किडनी से रिलेटेड बात हो रहा है, जैसे हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, रीनल कॉलम बैटरी की बात करेंगे, अभी हम कहेंगे कि रीनल आर्टरी वो क्या होता है, रीनल वेन क्या होता है, तो ये रीनल जो वर्ड है उसमें वो किडनी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है अभी हम बात करेंगे, जब लीवर की बात करेंगे बोलेंगे हिपैटिक 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 वर्ड आएगा, तो वो जो हिपैटिक वो किससे रिलेटेड है लीवर से रिलेटेड है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो रीनल कैप्सूल है वो किडनी का पार्ट है, वो किडनी का आउटर कवरिंग है, ध्यान से किडनी को जब हम देखा गया तो किडनी को जब ऐसा एग्जामिन किया गया तो देखा गया किडनी के दो पार्ट पता चला, एक होता है कॉर्टेक्स पार्ट और एक होता है मेडुला, तो मेडुला और कॉर्टेक्स ये किडनी के दो पार्ट बन जाते हैं, कितने पार्ट बन जाते हैं दो पार्ट, तो किडनी के कितने पार्ट हो गए दो। अब ये जो दोनों के दोनों पार्ट हैं इनमें भी कुछ वैरायटी पाई गई ठीक है, ध्यान सुनिए जो रीनल कैप्सूल है वो आउटर कवरिंग बन जाता है और ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, किससे बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से ठीक है, उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं ठीक है। ये जो कॉर्टेक्स होता है ठीक है ये डार्क होता है कलर में, क्या होता है डार्क होता है कलर में ठीक है,
और ये डार्क होने के साथ साथ क्या होता है, ये जो होता है करीब करीब 75 टू 85% जो होता है ये क्या करता है, कवर करता है पूरे किडनी के पार्ट को, और लगभग इसका 70-85% जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पूरा कॉर्टेक्स होता है, और करीब 15% जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मेडुला वाला रीजन होता है। ठीक है, इसको हम समझा रहे हैं और अच्छे से ध्यान समझिए। देखिए पहले हम लोग देखेंगे कॉर्टेक्स, क्या देखेंगे हम लोग, रीनल कॉर्टेक्स, क्या देखना हम लोग को, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो रीनल कॉर्टेक्स है ठीक है वो करीब करीब 85% पार्ट ऑफ किडनी होता है, कितना परसेंट होता है, 85% पार्ट ऑफ किडनी। कई बुक में आपको 85 मिलेगा, कई 80 कई 70, तो एवरेज होता है 75 to 80 के बीच हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं ये मेजर पोर्शन होता है किडनी का। ठीक है, कॉर्टेक्स होता है वो मेजर पोर्शन होता है किडनी का। ठीक है, ठीक है, अब यह होता है, ये जो होता है डार्क इन कलर होता है, क्या होता है, डार्क इन कलर होता है। ठीक है, किस कलर का होता है, डार्क होता है कलर में, कौन सा कलर होगा ये, डार्क मतलब थोड़ा हमको ब्राउनिश टाइप का दिखेगा अगर इसको एग्जामिन करेंगे तो। ठीक है, इसमें देखिए इसमें जो कॉर्टेक्स वाला रीजन में उसमें क्या क्या पाया जाता है, ध्यान सुनिए। पहला होता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल या कॉप्सस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद होता है डीसीटी और होता है पीसीटी। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर आप क्या लिख रहे हैं कुछ, सर तो देखिए ये मेलपीजियन कॉप्सुल डीसीटी ये सब नेफ्रॉन के पार्ट है। अब एक नेफ्रॉन नया टर्म आ गया, अगला जो लेक्चर होगा वो नेफ्रॉन पे हमारा होगा, उसमें हम डीसीटी पीसीटी मेलपीजियन कैप्सूल बाउमस कैप्सूल क्या चीज होती है हम सब डिटेल में। अब ये बस ये जानिए कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें डीसीटी पीसीटी और मेलपीजियन कैप्सूल पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो मैं इसमें अब ध्यान सुनिए, उसका जाता है रीनल मेडुला। जो रीनल मेडुला होता है ठीक है उसमें जो होता है आपका करीब करीब 50% पार्ट होता है, कौन सा परसेंट, 50% पार्ट ऑफ किडनी होता है ये, कितना होता है 50% पार्ट ऑफ किडनी कौन अक्वायर करता है, ये कौन अक्वायर करता है, रीनल मेडुला, कौन अक्वायर करता है, रीनल मेडुला। ठीक है, अब जो रीनल मेडुला होगा उसमें आपका पाया जाएगा आपका बाउमस कैप्सूल, ठीक है इसी के अंदर आपका आ जाएगा ग्लोमेरुलस भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है ये जितने भी सारी पार्टें होती हैं, ठीक है वो किसके अंदर आ जाएंगे आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है सॉरी रेनल मेडुला के पार्ट के पास आ जाएंगे। एक और पार्ट होता है इसको चीज होता है इसमें बोलते हैं हेनले लूप्स, हेनले ऑफ लूप। ठीक है, तो बाउमस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, हेनले ऑफ लूप्स ये सब किसके अंदर आते हैं आपका, किसके अंदर आएंगे आपका रीनल मेडुला के अंदर आएंगे। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कौन आएगा आपका पीसीटी डीसीटी मेलपीजियन कॉप्सल्स आएगा। ठीक है, तो रीनल मेडुला रीनल कॉर्टेक्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए अगला जो स्ट्रक्चर होता है किडनी का वो देखिए वो है आपका देखिए ये हो गया आपका देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेडुला वाला पोर्शन है मेडुला पोर्शन में देखिए ये पिरामिड है। ठीक है, ये हर एक किडनी में 12 इन नंबर होते हैं, कितने होते हैं 12 इन नंबर। अगर हम लोग रीनल पिरामिड की बात करें, किसकी बात करें, रीनल पिरामिड की। ठीक है, तो जो रीनल पिरामिड है वो हर एक किडनी में क्या पाया जाता है 12 इन नंबर पाया जाता है। तो इच किडनी हर किडनी में कितना पाया जाएगा, इस किडनी कंटेन 12 पेयर्स ऑफ पिरामिड। ठीक है, सॉरी 12 पेयर्स नहीं 12, ठीक है 12 नंबर ऑफ पिरामिड यहां लिखते हैं, 12
12 नंबर ऑफ पिरामिड, तो एक किडनी में 12, एक किडनी में 12 तो दूसरे किडनी में 24 आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाता है बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीनल पिरामिड। अब रीनल पिरामिड के बाद आता है आपका, अब रीनल पिरामिड के बाद जो आपका वो है आपका रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, क्या है रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ये देखिए सब नाम है, ठीक है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, बस आपको जैसे है वैसे याद रखना है, ठीक है। जो रीनल कॉलम, देखिए ये लंबा लंबा जो स्ट्रक्चर किडनी में ऐसे दिख रहा है ऐसे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, इसी को बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये हर एक पिरामिड के बाद एक अल्टरनेट पोजीशन क्या होता है, दो पिरामिड के बीच में एक रीनल, दो पिरामिड के बीच में क्या होगा, एक रीनल ऑफ कॉलम बर्टनी पाया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। तो दे फाउंड, ऐसा लिख सकते हैं इसको, दे फाउंड बिटवीन इच पिरामिड, ठीक है, तो ये हो गया रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। उसके बाद एक और रीजन हो जाता है यहाँ पर पेल्विस, देखिए ये जो पेल्विस होता है वो पूरा कलेक्टिंग होता है, सारे जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी में करीब 1.5 मिलियन 1.2 के आसपास मिलियन जो होते हैं, 12 लाख लगभग हमारे बॉडी में एक किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, तो सारे नेफ्रॉन से जो भी चीजें बनती है वो यहाँ पे कलेक्ट करता है और सीधे ये देती है, सीधे कहाँ चला जाता है, ये हो जाता है आपका यूरेटर, क्या हो जाता है यूरेटर, तो रील ये कहाँ चला जाएगा, ये पेल्विस वाला पार्ट इसको पूरा कलेक्ट करेगा, तीस वाले पोर्शन को बोलेंगे पेल्विस, यही पेल्विस जब आगे बढ़ेगा उसको बोल देंगे यूरेटर। ये सब चीजें हम आशा करते हैं समझ में आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। एक बार देखिए हम एक बार और समरी कर दें, देखिए ध्यान सुनिए, पहला किडनी का पार्ट है रीनल कैप्सूल, दूसरा आपका रीनल कॉर्टेक्स, तीसरा आपका रीनल मेडुला। रीनल कैप्सूल वो प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग होती है। दूसरा आपका रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स वो करीब 85% पार्ट होता है किडनी का, उसमें आपका डीसीटी, पीसीटी, डिस्टल कन्वर्टिबल्स, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल्स और मैक्सिलरी कॉप्सल्स, ये तीन चीजें पाई जाती है, ये तीनों चीज नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है, इसको आगे हम बताएंगे, घड़ाने में कोई बात नहीं है। दूसरी पार्ट, दूसरा बात है इसमें कि ये जो रीनल मेडुला है, जो रीनल मेडुला है उसके अंदर हेनले ऑफलोब्स, बॉमन्स कैप्सूल्स, आपका ग्लोमेरुलस और कलेक्टिंग ट्यूब्स, ये सारी पार्ट पाई जाती है। ये केवल 15% होता है और ये येल्लोइश इन कलर होता है, किस कलर का होता है, येल्लोइश इन कलर होता है, ये क्वेश्चन आया है, ये किस कलर का होता है, येलोइश इन कलर होता है, ठीक है, ये और ये किस कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रीनल कॉलम बर्टनी, रीनल कॉलम जो बर्टनी होता है वो लंबा लॉन्ग लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, देखिए या देखिए ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कि नहीं, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, उंगली की तरह, और ये लंबे लंबे होते हैं और ये जो होते हैं किडनी में के हर एक रीनल पिरामिड के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है पेल्विस, पेल्विस होता है वो कलेक्टिंग होता है, सारे नेफ्रॉन जो होते हैं वहां से जो भी चीजें फिल्टर करते हैं उसको ले लेता है और सीधे जाकर यूरेटर में डाल देता है, ठीक है। ये जो था स्ट्रक्चर था किडनी का था, ठीक है, अगर इसमें कोई भी चीज आपको लगता है नहीं समझ में आया तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है हमसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा वो आपका होगा नेफ्रॉन पे, नेफ्रॉन पे हम बताएंगे कि पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे नेफ्रॉन का कैसे होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं, सारी चीज हम लोग डिटेल में देखने होंगे, ठीक है। सबसे मिलते हैं।